Good afternoon, dear children. Today in EVS class, we learn about disposal of waste. Disposal of waste, यानी कचरे को निपटाना या उसका निष्कासन करना. Children, as you all know that our earth is a beautiful place to live. लेकिन ये जो कूड़ा करकट है, pollution है, ये हमारी earth को बदल रहा है. इसलिए कूड़े को इकट्ठा करके उसे डिस्पोज ऑफ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उस गंदगी पर जर्म्स पनपने लगते हैं जो कि बीमारियों का कारण बनते हैं. ऑल वेस्ट वाटर फ्रॉम आवर हाउसेस शुड गो थ्रू ड्रेन्स इनटू अंडरग्राउंड पाइप्स. यानी घरों का गंदा पानी नालियों के द्वारा अंडरग्राउंड पाइप्स में जाता है. अंडरग्राउंड पाइप्स जो होती हैं वो ज़मीन के नीचे होती हैं, जो जुड़ी होती हैं मेन सीवेज लाइन से. वहाँ से पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है और जहाँ हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिफरेंट मेथड से अलग करके पानी को साफ किया जाता है और दोबारा काम में या यूज़ में लाया जाता है. सो चिल्ड्रेन, लेट्स नो अबाउट द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट. बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे घरों का कूड़ा करकट सफाई कर्मचारी इकट्ठा करके म्यूनिसिपैलिटी के गार्बेज डंप में डाल देते हैं. म्यूनिसिपल ट्रक्स वो कूड़ा ले जाकर शहरों के बाहर खुले एरिया में या ओपन गार्बेज डंप में फेंक देते हैं. वहाँ पर वो कूड़ा काफ़ी सालों तक रहता है, सड़ता गलता है. चिल्ड्रन, इज़ इट द राइट वे ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट? नो, क्योंकि उस पर जर्म्स पनपते हैं और बीमारी फैलाते हैं.